आपके शहर गढ़वा में रांची की ख्याति प्राप्त संस्थान। हमारा पता है द नेक्सस एकेडमी, नियर मंगलम टेंट हाउस, थाना के पश्चिम गढ़वा। 7004714936 या 9576144386। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कांडी से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर पंचायत के मंडरा गांव निवासी सुनील बैठा की हत्या 1 जनवरी की रात में कर दी गई थी, किंतु अब तक हत्यारों को प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। मृतक का शव गांव ही के पंपी देवी के घर पर लकड़ी की सीढ़ी के डंडे में फांसी पर झूलते हुए बताया गया था। घटनास्थल पर थाना प्रभारी शौकत खान अपने दल बल के साथ इंस्पेक्टर हरिकिशोर मंडल, पंचायत मुखिया योगेंद्र राम सहित सैकड़ों ग्रामीण भी पहुंचे थे। उक्त विषय की जानकारी मृतक के बड़े भाई उदय बैठा ने दी। उन्होंने बताया कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनील बैठा का हत्या 1/1/2020 में रात्रि के समय उसको किया गया, और करने के बाद हम लोग के लाश जो है पंपी देवी पति ओम प्रकाश बैठा के दरवाजे पर पड़ा हुआ मिला, और वहाँ थाना प्रभारी शौकत खान अपने दल बल के साथ, शिवपुर पंचायत के मुखिया जोगेंद्र राम जी अपने दल बल के साथ पहुँचे, और गांव के सैकड़ों हजार लोग वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद थाना प्रभारी पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेजे। हम लोग गढ़वा गए, गढ़वा से आए, उसका दाह संस्कार किए, और अभी तक उसका कोई कार्रवाई थाना प्रभारी नहीं किए, न उसका हत्यारे के अभी तक पता लगाए। और थाना पर हम दो चार बार दौड़ते दौड़ते, अभी तक आज 16 तारीख है, हम पांचवा बार पहुँचे। थाना जाने के बाद थाना प्रभारी शौकत खान से मिले तो वो सोए हुए थे, और सोते सोते हमसे बात किए, और बात करने के बाद हम वहाँ से संतोषजनक नहीं हुआ, तब वहाँ से प्रखंड पहुँचे। प्रखंड आने के बाद झामुमो नेता सत्येंद्र पांडे जी से हम अपने भाई सुनील बैठा के हत्यारे के पकड़वाने के लिए हम उनसे गुहार लगाए, निवेदन किए कि अभी तक गरीबों को जो है तोड़ मड़ोड़ करके रखने के लिए थाना प्रभारी अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़े हैं, न पता लगाए हैं, और आने के बाद कहते हैं कि जाओ अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, आएगा तो इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो उदय बैठा हुआ। घर मड़रा हुआ। जिस लड़के की हत्या की गई उसके आप कौन? हम उसके बड़ा भाई हैं, मेरा पिठिया भाई था जिसका नाम सुनील बैठा था, और हत्यारे को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई गिरफ्तारी नहीं किया गया, ना कोई उन लोग पर दबाव दिया गया। और इस संबंध में आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि हमारे भाई के हत्यारे के उन्होंने पता लगाकर उस पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई ने झामुमो नेता सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ पिंकू पांडे को लिखित आवेदन देकर अपने छोटे भाई के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करवाने की गुहार लगाई। के द्वारा आज आवेदन सौंपा गया, इसमें आप क्या कह रहे हैं? जो इनका भाई की हत्या हुआ बहुत मने दयनीय स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए गांव घर में, लेकिन कांडी थाना प्रभारी ने उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बहुत मने क्या कहा जाए, सीएस से मैंने बात किया, थाना प्रभारी से भी बात किया, थाना प्रभारी बोले कि कल मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर आऊँगा, और सीएस की भी बात से हमको खोट कुछ लगा। उदय बैठा जब थाना प्रभारी से मिल रहे हैं, थाना प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो कार्रवाई की जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें थाना भी मिला होगा या डॉक्टर मिले होंगे, तो डॉक्टर या थाना दोनों कार्रवाई के पास हैं, कार्रवाई होगा। सीएस ने क्या कहा इस संबंध में? सीएस आए बोले यही तो 15 दिन पहले मैं रिपोर्ट बना दिया हूँ, लेकिन थाना प्रभारी नहीं ले जा रहे हैं,
इस पर तो थाना प्रभारी की गलती मैं कहूँगा, पर थाना प्रभारी नहीं ले जा रहा है, तो थाना प्रभारी की गलती है। अब मैं इस पर ठोस कदम करूँगा और ठोस कार्रवाई करने के कोशिश करूँगा। धन्यवाद।